बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आप सभी के लिए मैं लेकर आ चुकी हूँ DRDO की तरफ से। जी हाँ, DRDO की तरफ से बिल्कुल नई जॉब वैकेंसीज का नोटिफिकेशन अभी आया है। आप ऑल इंडिया से यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, मेल एंड फीमेल दोनों ही। देखिए कैसे अप्लाई करना है, पोस्ट इस बार बहुत बढ़िया हुई है। हम सारी चीज़ों को यहाँ वन बाय वन कवर करेंगे। प्रॉपर स्क्रीन पे आपको यहाँ पे लेके चलूंगी, वहाँ पे समझाऊंगी कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करना है। सारा कुछ आपका उसी पे डिपेंड करता है। यहाँ कोई फी पे नहीं करनी है, कोई एग्जाम आपका नहीं है, डायरेक्टली आपके यहाँ पे सिलेक्शन एंड ज्वाइनिंग होने वाली है। एंड फ्रेशेस्ट कैंडिडेट आप में से यहाँ पर इलिजिबल और अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, हर चीज को वन बाय वन कवर करेंगे। वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो का हर एक पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। DRDO की जो वैकेंसीज आई है, ऑल इंडिया के मेल एंड फीमेल इन्वाइटेड है, अप्लाई कर सकते हैं। हर चीज को यहाँ पे डिटेल में कवर करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना, अपने दोस्तों के साथ फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इसके लिए अप्लाई कर पाए। एंड आप कौन से लोकेशन से इस वीडियो को देख रहे हैं, अपनी क्वालिफिकेशन के साथ फटाफट कमेंट करिए, ताकि आपके नियर जो भी पोस्ट आती है मैं आपके लिए ज्यादा से ज्यादा लेकर आ पाऊं उसकी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज मीत एंड यू आर वॉचिंग टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब ऑल ओवर इंडिया ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज लेकर आ चुकी हूँ DRDO की तरफ से। देखिए DRDO की तरफ से नई वैकेंसीज का नोटिफिकेशन आया है। आप यहाँ ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं, मेल एंड फीमेल दोनों। हम सारी चीज़ों को वन बाय वन यहाँ कवर करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, फ्रेशर्स यहाँ पे इलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। कोई एग्जाम नहीं है, विदाउट एग्जाम सिलेक्शन है, कोई फी पे नहीं करनी है। चाहे आप अनडिजर्व कैटेगरी से, चाहे डिजर्व कैटेगरी से, चाहे फीमेल है मेल है, फ्री में आपको अप्लाई करना है। हर चीज़ को डिटेल में कवर करेंगे, पोस्ट कौन कौन सी है, पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्या है, सिलेक्शन कैसे हो रही है, क्योंकि एग्जाम कोई नहीं है, फ्रेशर्स अप्लाई यहाँ कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अप्लाई कैसे करना है, ठीक है, वो ध्यान से समझना। प्रॉपर स्क्रीन पे आपको समझाऊंगी कैसे आपको यहाँ पे इन वैकेंसीज में स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करना होगा, ठीक है। वीडियो का हर एक पार्ट इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर आप हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब ऑल ओवर इंडिया पर पहली बार आए हैं, इसी तरीके से चाहते हैं हर एक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंच जाए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करिएगा, ताकि जो इसके बाद चैनल पर वीडियो आ रही है उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। बाकी इस अपडेट के अलावा और भी काफ़ी सारे नए डिपार्टमेंट हैं जिनकी वैकेंसीज आउट हो चुकी हैं। आप अपने क्वालिफिकेशन, अपनी सिटी या फिर डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग हमारी ऑफिशियल साइट, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, विजिट करके इंफॉर्मेशन लेके आप अप्लाई कर सकते हैं। आप हमारी साइट पे जाएंगे, वहाँ पे कैटेगरीज भी बनी हुई है, प्राइवेट की अलग वैकेंसीज है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की अलग है, वो सारी देख के अप्लाई कीजिए, ठीक है। फिलहाल बात करें यहाँ पे DRDO की बिल्कुल नई जॉब अपडेट के बारे में, कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है। देखिए DRDO की जो वैकेंसीज है, आप ऑल इंडिया से अप्लाई करें, मेल एंड फीमेल दोनों, ठीक है। यहाँ पे आप फ्रेशर्स ऐप अप्लाई करें, अगर एक्सपीरियंस चाहते हैं वो भी अप्लाई यहाँ कर सकते हैं, ठीक है। वैकेंसीज बहुत बढ़िया यहाँ पे आई हुई है, सैलरी यहाँ पे अलग अलग है, ठीक है, पोस्ट सेम है लेकिन सैलरी यहाँ पे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली अलग अलग आपको यहाँ पे की जा रही है। तो यहाँ पे एक फॉर्म इन्होंने दिया, वो ध्यान से पहले ये समझो उसको भरना कैसे, क्योंकि सारा कुछ आपका उसी पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है, ये वाला फॉर्म है, इन्होंने क्या करा है, नोटिफिकेशन PDF के साथ अटैच कर दिया। एग्जाम कोई नहीं है, फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं, कोई फी नहीं है। अब आपको यहाँ पे अपना ब्लॉक लेटर्स में नेम लिखना है, फादर नेम लिखना है, मदर नेम, और इधर आपको टॉप में ना अपनी लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ यहाँ पेस्ट कर देनी है। जैसे आप प्रिंट आउट निकालोगे इसका, यहाँ पे आपको अपनी फोटोग्राफ लगा देनी है। वो आप ट्राई करना 3 मंथ से पुरानी ना हो, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है, आपके फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो आपको लेटेस्ट ही यहाँ पे लगाना होगा। उसके बाद आपका यहाँ पे जेंडर क्या है, मेल है, फीमेल है, थर्ड जेंडर है, तो आपकी कैटेगरी कौन सी है वो आप लिखे, डेट ऑफ बर्थ आपको लिखना है, ठीक है, आपकी एज कितनी है, ईयर्स मंथ उसमें भी लिखना होगा आपको, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस लिखना है, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस का पिन कोड, परमानेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस का पिन कोड। उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल्स में अगर आपका कोई STD कोड जो आपका है उसको आप ले लगा के आगे, जैसे कि +91, ठीक है, उसको। उसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर लिखिए जो भी आपका है। देन आपको यहाँ पे अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर लिखना है, अगर आपका अल्टरनेट मोबाइल नंबर कोई है। मैं आपको सजेस्ट करूँगी अल्टरनेट मोबाइल नंबर जरूर लिखा करें, कई बार होता है वो आपको कॉल कर रहे हैं, ठीक है, आपका कॉल नहीं लग रहा है, तो आपकी फैमिली में किसी का भी आपने नंबर दिया, किसी के साथ कनेक्ट हो पाएगा, ठीक है, तो जरूर लिख देना। तो यहाँ पे आप
आपकी क्वालिफिकेशन मिनिमम से मैक्सिमम तक आपकी क्या है, कब पास आउट की है, कितनी परसेंटेज थी, कौन सी बोर्ड या यूनिवर्सिटी थी, वो आप लिखिए। उसके बाद यहाँ पे आपको डेक्लरेशन देखने को मिल रहा है, इधर आपको रिमार्क्स में देखने को मिल रहा है, अपने सिग्नेचर आपको करने होंगे। उसके बाद आपने इसको क्या करना है, इनवेल्प में डालना है अच्छे तरीके से, इनके एड्रेस पर आपको कोरियर करके भेज देना है, ठीक है। यही प्रोसीजर है अप्लाई करने का। अब यहाँ पे जो शॉर्टलिस्टिंग कैंडिडेट होंगे उनकी लिस्ट ये अपनी ऑफिशियल साइट पे अपडेट कर देंगे। इंटरव्यू पे जाना है सीधा आपको, उसके बेसिस पे सिलेक्शन एंड ज्वाइनिंग है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, सैलरी हर पोस्ट की अलग अलग है, पोस्ट नेम सेम है लेकिन क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग अलग अलग है, ठीक है। काफ़ी सारे अलग अलग डिसिप्लिन है तो उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। GRF की वैकेंसी है जो मैंने आपको पहले ही बताया, जूनियर रिसर्च फेलो की। इस वैकेंसीज के लिए अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन रेलेवेंट डिसिप्लिन में किया है, आप अप्लाई यहां कर सकते हैं, ठीक है। DRDO की ना 10th 12th अंडर ग्रेजुएट की वैकेंसीज भी आ रही है, उसमें नेक्स्ट वीडियो हमारे इसी चैनल पे आने वाली है, ठीक है। चैनल को पहले तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ठीक है, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। इसी के साथ साथ हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, ठीक है। वहां पे कोई भी छोटा से छोटा अपडेट आता है मैं सबसे पहले पोस्ट कर देती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कोई भी क्वेरी या कमेंट आप करना, हमारी टीम बैठी है, डेफिनेटली आपको रिप्लाई मिलेगा। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को आपने ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना है। और आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट अपडेट में मिलेंगे हम नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।